हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ सुभाष चंद्र बोस पर 10 लाइन का शॉर्ट निबंध लाई हूँ दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं सुभाष चंद्र बोस पर 10 वाक्य का निबंध। पहला, सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेताओं में से एक थे। एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उन्होंने हमेशा देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी बोस और माता का नाम प्रभा देवी था। तीसरा, उनके पिता जानकी बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। चौथा, उनके 14 भाई बहन थे। वे अपने माता पिता की 9वीं संतान थी। पांचवा, सुभाष चंद्र बोस ने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ब्रिटिशों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। छठवा, आजाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में किया था। सातवा, सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से बेहद प्रभावित थे। आठवां, उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जेल में डाल दिया गया और बाद में वे 1930 में कलकत्ता के मेयर बनाए गए। नौवां, सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दसवां, सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापान गए, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन शुरू किया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूं कि आपको यह शॉर्ट इसे पसंद आया हो। और दोस्तों, अगर आपको अन्य विषय पर निबंध या कविता या शॉर्ट इसे चाहिए तो कमेंट करके बताना ना भूलें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप तक वो देने की। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो।